Hi, this is Sevi Diaries. So let me give you a brief about Sevi Diaries. We are a family of three. I, Sadhana, my husband Vivek, and a little son Viraj. So this video is about the travel which we have done during this pandemic. We love to travel and have been traveling since 2002 and have traveled 16, 17 years together. And we thought that we'll get break when we'll have a family, like when we'll have kids. And then we had him in January 2020. But this pandemic travel has been special to us. I know that it was a difficult year for the entire world, but it was special to us as we had him and the entire world was sitting at home, locked everywhere, locked down. So even we thought that we'll be sitting at home. But travel started just before pandemic, like when he was just 39 days old, one of my cousins invited us for his daughter's first birthday, which was in Orsha. So he invited us to Orsha. And we were skeptical whether we should go or not, but then thought came to us that it will be his 40th day and it's auspicious, like it's to go for a temple visit of any child. So we thought that we can हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, वो भी सेलिब्रेट भी करके आ जाएंगे और इसका टेम्पल विजिट भी हो जाएगा. सो दैट वॉज हिज फर्स्ट ट्रैवल विच इज टू ओरछा, डेली टू ओरछा, दैट टू बाय रोड. सो डेली टू ओरछा इज 480 किलोमीटर एंड ही वॉज जस्ट 40 डेज ओल्ड. सो दैट वॉज वेरी स्मूथ ट्रैवल. वी टुक हिम देयर एंड वी विजिटेड temples there in Orsha. There's one temple, Ram Raja, and then there's one very famous temple in Datia, that's Pitambara Peeth. So we went there, and again, like way back also, we came, like Delhi also, like so 480. So that was like around approximately 1,000 kilometers. So that was very smooth travel for us. And then this pandemic started, like, and lockdown also started in March. That was 21st of March, the lockdown started. And we were at home seeing him growing. We were happy to see him growing. But as we are fond of travel, and this was the first time, like since November 2019 till June, we were at home. This was first time, like, इतना लंबा हम लोग घर पर रहे, चार पाँच महीने, इससे भी ज़्यादा होगा, आई थिंक सिक्स सेवन मंथ से करीब होगा तो हम लोग घर बैठे बैठे. सो एज सून एज द लॉकडाउन ओपन, वी थॉट ऑफ विजिटिंग माई हजबेंड्स पेरेंट्स हु लिव्स इन जयपुर. बिकॉज वो लोग आए थे हमारे पास में जब विराज हुआ था. सो दे वर विद अस टिल फेब्रवरी. हमारा तो मैं छोटा सा एक सेरेमनी भी किया था, फंक्शन किया था बच्चा विराज के, उसके लिए तो उसके लिए वो लोग थे. बट लॉकडाउन से पहले ही वो लोग जयपुर चले गए थे. तो उन्होंने भी विराज को देखा नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग जयपुर उनको भी विजिट करके आ जाएंगे और उसका भी देखते हैं कैसा ये रिएक्ट करता है ट्रैवल में. सो दैट वाज़ अ सेकेंड रोड ट्रिप. हम लोग दिल्ली से जयपुर इज आई थिंक 270 किलोमीटर. सो अगेन इट वाज़ अ स्मॉल ट्रिप था. और हम लोग घर से खाना वगैरह बना के ले गए थे, कीपिंग ऑल ये पैंडमिक को दिमाग में रख के, को वायरस को दिमाग में रख के हम लोग घर से ही खाना बना के लेके गए थे. तो हमने एक ब्रेक लिया था जहाँ पे वी हैड आर ओन फूड और चाय कॉफ़ी, वो भी हमने घर से बना के ही सब कुछ किया था. तो हम लोग ने कहीं कुछ इधर उधर कहीं कुछ टच वच नहीं किया, रोड से अपनी गाड़ी से गए, घर गए, घर से वापस हम लोग वापस आ गए थे. सो दैट वॉज अराउंड 540 किलोमीटर्स राउंड ट्रिप, दिल्ली जयपुर बैक टू दिल्ली. सो दैट वॉज हिज सेकेंड रोड ट्रिप. Then रक्षाबंधन came in August, so that was his first रक्षाबंधन and I want to celebrate in the big day. और क्योंकि हम लोग अभी जब घर पर था तो वी वर सेलिब्रेटिंग हिज मंथली बर्थडे, फर्स्ट मंथ बर्थडे, सेकेंड मंथ बर्थडे, थर्ड मंथ बर्थडे. अन्नप्राशन भी मैंने घर पर ही कर लिया था, उसके मामा को भी नहीं बुलाया था. तो हम सब, वो सब कुछ घर पर ही हो रहा था, बट वी सेलिब्रेटिंग इन लाइक हम अपना रेस मतलब सारा सब कुछ कर रहे थे. बट रक्षाबंधन आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट लाइक प्रॉपरली विद हिज सिस्टर्स. तो हम लोग ग्वालियर में माई पेरेंट्स स्टे, माई फादर स्टे, माई ब्रदर स्टे. तो हम लोग ग्वालियर इज 343 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली.
सो अब 480 तो उसका हो गया था लंबा, बट वो दैट वाज बिफोर लॉकडाउन, सो दैट वाज डिफरेंट थिंग. मतलब वायरस था उस वक्त, बट वाज स्टिल लाइक डिफरेंट सिनेरियो. बट अभी इट्स को स्टार्ट हो गया था और कोरोना भी अच्छी तरह से स्प्रेड हो रहा था सब जगह. सो अगेन वी थॉट ऑफ लाइक लेट्स गो बाय रोड ओनली, एंड वही सेम हम लोग खाना घर से बना के लेके गए और सारा कुछ. और वो ये विराज भी आई थिंक जो अगस्त सितंबर ही वाज 7-8 मंथ्स ओल्ड, जनवरी जो हाँ ही वाज 8 मंथ्स ओल्ड. सो हम लोग ग्वालियर गए, तो ग्वालियर में भी फिर हम लोग थोड़ा सा इधर उधर भी, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली में ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा इतना इसका फेयर बना के रखा हुआ था, बट वहाँ इतना नहीं लग रहा था. वहाँ पर लॉकडाउन था एमपी में, वो सब कुछ था, बट फिर भी रहते अब हाँ, क्योंकि हम लोग घर के मेम्बर्स के साथ में तो इतना सब कुछ फील नहीं हुआ. तो उसको फिर वापस से लेके गए, अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने रक्षाबंधन, और हम लोग फिर वापस आए. सो अगेन लाइक बस 343 किलोमीटर था, सो अराउंड अगेन 700 किलोमीटर के करीब इसका फिर से एक राउंड ट्रिप हो गया दिल्ली ग्वालियर दिल्ली. सो दैट वाज हिज थर्ड रोड ट्रैवल. अब अभी तो ये हमारा दिल्ली से हमारा जयपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, तो ये हम लोग घर ही जा रहे थे. बट देन अब सेप्टेम्बर इट वॉज माई बर्थडे, सो वी थॉट वी शुड सेलिब्रेट दिस ऑल्सो, दैट्स क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बर्थडे होगा मेरे बेटे के साथ में. सो वी थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे, लाइक डिफरेंट इन अ स्पेशल वे. सो देन वी टुक अ कॉल एंड हम सोचा चलो चलते हैं. सो वी थॉट ऑफ गोइंग टू चंडीगढ़, देयर इज ओबेरॉय सोफिलास. सो मतलब कि होटल वाले आई थिंक दे विल बी टेकिंग केयर प्रॉपरली. सो हमने एक चांस लेकिन चलते हम लगा, पहला होटल ट्रिप था ये हमारा, हम लोग गए होटल. चंडीगढ़ इज ऑल्सो लाइक अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर्स के आसपास, आई डोंट एग्जैक्टली नो द किलोमीटर्स. तो वहाँ पर हम लोग सेम हम लोग सुबह उठते थे 3 बजे, खाना वाना बनाते थे, पैक करते थे लेके, मतलब तो वहाँ पे मिड वे में फिर वी हैड आवर ओन फूड. बट हाँ अब इस बार दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड वी हैड कॉफी एंड टी फ्रॉम द रेस्टोरेंट, मतलब वहाँ पे कैफे कॉफी डे से हमने लिया था कि मतलब चलो आप, क्योंकि अब बाहर से कभी खाना थोड़ा बहुत शुरू किया था. बट व्हेन वी वेंट टू द होटल वी फाउंड इट वेरी सेफ, दे वर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस एंड वी फाउंड मोर सेफ देन एट आवर प्लेस, बिकॉज हम अपने घर पर तो थोड़ा सा कैजुअल हो जाते, बट होटल पीपल दे वर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ देयर गेस्ट. सो दे वी फाउंड वेरी सेफ, मतलब वो भी बहुत अच्छा था. सो there we had, we really had very good experience. After हम लोग we stayed there for 3 nights, I think 3-4 days. So again this was his fifth road trip. So now after this trip, as there was lockdown, work was remote, we thought of why not explore more. As we found like hotel वाले लोग अच्छे से precautions ले रहे हैं, so My husband he booked like उन्होंने चुपचाप से booking कर ली थी. As we are fond of jungles and we are very fond of these MP jungles, Kanha, Bandhavgarh, Panna. So he booked like 3 weeks there. But then he told me कि हम लोग वहाँ पर काम भी कर सकते हैं और travel का travel हो जाएगा और विराज कैसे react करता है. अच्छा इसमें था कि इसलिए आपको यू हैव टू बुक सफारी, होटल पीपल ऑल्सो बुक सफारी, बट देर वी स्टेड लाइक इन डिफरेंट होटल्स. सो ताज पीपल दे बुक फॉर यू, और आप भी अपने आप कर सकते हो, बट दे बुक फॉर यू, और आपको ऑनलाइन सारा बुकिंग करना होता है. तो बिफोर वी हैड विराज वी यूज टू गो टू सफारी एवरी डे, बट दिस टाइम कीपिंग हिम इन माइंड ही बुक ऑल्टरनेट डेज, कि इन केस इफ something happens or we are not allowed to go or if he doesn't allow us, so alternate day rakhte hain. Agar in case if I'm not able to accompany him, he can go on his own and I can be at hotel. So this like hum is tarah se plan karke sara and hum log then we started off. So again like as we had been to Orsha, so ek hamara already ho chuka tha Orsha tak ka. So again humne Orsha tak first जो हमारा लेक था दैट वॉज दिल्ली टू ओरछा. सो वी स्टेड देयर फॉर 2 nights. और लास्ट टाइम हमने सिर्फ टेम्पल विजिट किया था, दिस टाइम वी विजिटेड द फोर्ट देयर, वहाँ पे जहांगीर महल है. सो दिस विल बी डूइंग दिस इन द कमिंग वीडियो, सारा कुछ आपको प्रॉपर देंगे हम. सो वी स्टेड देयर फॉर 2 nights एंड देन ऑन द थर्ड डे वी स्टार्टेड अर्ली, लाइक आई थिंक 4 o'clock वी स्टार्टेड फ्रॉम द होटल.
और होटल वालों ने हमारे लिए सारा ब्रेकफास्ट वगैरह पैक करके दिया था, सारा प्रॉपर हाइजीन सब कुछ वगैरह जो भी वो लोग ध्यान रख सकते उन्होंने किया था। एंड इन ओरछा वी स्टेड एट अमर महल, सो आई गिव यू द डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दिस। अच्छा, उसके बाद हम लोग वी स्टार्टेड 4 o'clock और हम लोग काना वी रीच्ड इन द आफ्टरनून 3:30 अभी इज डेट 3:30 मतलब अच्छा, क्योंकि हम लोग अर्ली निकले थे, हम लोग जल्दी टाइम पे वहाँ पर पहुँच गए थे। एंड विराज खूब मज़े करते हुए गया था और 3:30 पहुँचने के बाद में वहाँ पे एंड वी स्टेड देयर फॉर 2 weeks। सो काना में हमारा नेक्स्ट डे सफारी था या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे सफारी था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। सो दैट जब आप काना का पूरा बनाएंगे देन आई मतलब उसको प्रॉपरली उसमें डिटेल्स डालेंगे। तो फर्स्ट सफारी आई टोल्ड हिम लेट मी टेक अ चांस एंड लेट मी टेक हिम अलॉन्ग विद अस एंड सी हाउ ही रिएक्ट, क्योंकि अभी तक हम लोगों को बोलते थे कि भाई बच्चों को जंगल लेके मत जाओ ये वो, बट देन एज वी हैव ट्रैवल सो मच एंड दिस जंगल इज अ फेवरेट पार्ट ऑफ अ ट्रैवल। सो इन केस इफ वी आर गिवन चॉइस कि आपको जंगल जाना है या कहीं और जाना है, सो वी विल ऑलवेज प्रेफर जंगल। वी टुक हिम फॉर द सफारी एंड ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल, ही एंजॉयड द सफारी, सो दैट मेड माई डे एंड वी थॉट दैट नाउ वी कैन कंटिन्यू विद हिम विद द सफारी। सो सेकेंड डे थर्ड डे एक दिन तो इतना रेन हो रहा था, इवन सफारी पीपल कॉल्ड अस कि आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स रेनिंग। तो हमने बोला नहीं हम लोग तो जाएंगे, आप अपना पूरा इंतजाम करके चलो सफारी व्हीकल में जो भी आप कर सकते हो। इट वॉज वेरी स्मूथ और जंगल थोड़ा सा आपको ऐसे बता दें जंगल, बिकॉज वेन एवर आई टॉक अबाउट जंगल तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मेरा सब कुछ इधर हो जाता है सर जंगल। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग इन जंगल जस्ट आफ्टर द मॉनसून, सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट जंगल फॉर अस। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सब कुछ ग्रीन था, सारे एनिमल्स दे वर लुकिंग ऑल मतलब इतना सुंदर लग रहे थे सब लोग सब कुछ। हम आपको सब दिखाएंगे सारा कुछ आपको अच्छी तरह से विराज ने भी कैसे एंजॉय किया। सो वी स्टेड देयर फॉर 2 weeks देयर है ना। और हमारा रूटीन ऐसा होता था कि मॉर्निंग वी यूज टू डू सफारी, इन द आफ्टरनून वी यूज टू वर्क एंड इन द इवनिंग वी यूज टू गो टू देयर वाज रिवर, मतलब रिवर था बहुत सारे। तो हमने कान्हा में वी स्टेड इन 2 properties, वन वाज क्लब महिंद्रा एंड अदर वाज ताज बंजार टोला। सो क्लब महिंद्रा के पास में ही वहाँ पे बंजार रिवर थी, सो वी यूज टू मतलब हम लोग वहाँ पर रोज डेली इवनिंग में रिवर तक जाते थे। So that was our routine. So हमने work भी किया, enjoy भी किया और होटल पीपल मतलब होटल की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है, उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ इसके लिए स्टॉलर लेके दिया, हमारा वाईफाई वो लोग प्रोवाइड नहीं करते बट दे गिव अस डोंगल कि आप लोग अपना काम कर सको अच्छी तरह से। सो दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। फिर वहाँ पर 2 weeks वहाँ पर स्टे करने के बाद में दिन भी हम लोग ताज बंजार टोला में गए। सो अगेन लाइक वहाँ पर ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, एक दो ही गेस्ट थे बट we enjoyed there too और वहाँ पे वो लोग सारे सब कुछ सारे प्रिकॉशंस के साथ में थे। एंड देन फ्रॉम कान्हा देन वी वेंट टू बांधवगढ़। सो बांधवगढ़ वी स्टेड एट महुआ कोठी, दैट्स अगेन अ ताज प्रॉपर्टी। सो दीज प्रॉपर्टीज वी वर गोइंग फॉर द सेकेंड टाइम, वी हैड ऑलरेडी बीन टू दीज प्रॉपर्टीज एंड दिस वॉज द सेकेंड टाइम। हमने पहले जब हम फर्स्ट टाइम गए थे विराज के बिना हम जब गए थे हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था कि बिकॉज वी हैड बीन टू साउथ अफ्रीका, हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम बिकॉज हम लोग यहाँ से जिम कॉर्बेट भी गए थे दिल्ली से जब हम लोग ये तो हम तो इतना ज़्यादा ठीक है मतलब अच्छा है जंगल वगैरह बट ताज सफारी हैज़ गिवन अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो फिर हाँ तो मैं महुआ कोठी में भी स्टे दिया फॉर 3 nights और वहाँ पे हमने बहुत मज़ा किया। एक ये ताज सफारी का एक वो है कि वो आप मतलब आपको वहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट आपको जंगल में जाके कराते हैं एंड दैट टू लाइक लैविशली, तो बहुत मज़ा आता है कि आपको पता नहीं आपके आसपास के कोई टाइगर हो या कुछ हो, तो दैट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और जो इनकी जो प्रॉपर्टीज भी हैं वो भी जंगल में ही हैं। सो बांधवगढ़ से हम लोग देन वी वेंट टू पन्ना एंड पन्ना ऑल्सो स्टेड एट सेम ताज प्रॉपर्टी पाशांत एंड देयर वी वर द ओनली गेस्ट एंड फिर वहाँ पे भी हमने सफारी किया और एक नाइट सफारी भी उनके होटल में होता था वो भी किया। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद में फ्रॉम पन्ना देन वी हम लोग वापस जो हमने जो रूट लिया था दैट वॉज देन वी केम टू दतिया एंड दतिया आई स्टेड एट माई कजन्स प्लेस
फिर वहाँ पे भी हम लोग गए पीताम्बरा एंड दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्र. सो वी वेंट, हम लोग दर्शन के लिए गए पीताम्बरा पीठ में, वहाँ पे दर्शन किया. तो देयर वाज अ सेकंड दर्शन के हम लोग फिर आज के 40th डे पे गए थे और हम लोग अभी इस बार गए थे नवरात्र के फर्स्ट डे. उसके बाद में सेकेंड डे वी वेंट, वहाँ पे एक सोनागिर जगह है जहाँ पे जैन टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर है. अगर कोई इस तरफ जाता है तो वहाँ पे ज़रूर जाइए आप लोग. तो आपको सारा कुछ कमिंग वीडियोस जो भी बनाएंगे हम लोग, अभी तक हमने कभी कुछ बनाया नहीं, बट नाउ वी थॉट कि बनाएंगे. इसके पीछे भी एक स्टोरी है, दैट आई टेल यू लेटर क्यों हमने ये सब कुछ बनाना शुरू कर रहे हैं. अच्छा अभी बता देती हूँ आपको कि हुआ ही कि हम लोग व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम गोवा, हम लोग गोवा से जब वापस आ रहे थे अभी, तो पुणे में हिज फोन गॉट क्रैश एंड ही लॉस्ट ऑल हिज पिक्चर्स एंड फोटोज एंड दैट वाज विराट. सो दैट वाज लाइक द टर्निंग पॉइंट कि ये तो कभी भी हम सब चीज़ें लूज हो जाएंगी, तो इट्स बेटर टू आप इनको डॉक्यूमेंट कर दो, तो कहीं पर तो सेफ है, कहीं पर हम तो देख सकते हैं, दिखा सकते हैं. क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में कहीं कुछ हो गया तो आपकी सब कुछ, पहले तो प्रिंट होता था तो एटलीस्ट बस चीज़ें रहती थी, अभी मेमोरीज रहती थी. और यहाँ पे अभी हम लोग इतना डिजिटलाइज हो गया कि हम लोग प्रिंट भी नहीं कराते हैं, और कहीं कुछ लूज हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता. सो दैट वाज द रीजन दैट वी हैड स्टार्टेड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग और हेल्प पीपल ऑल्सो, कि हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है, 35 कंट्रीज हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं. और मतलब हमारा मेन फोकस ट्रैवल पर ही रहता है, थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो हम लोग बस निकल जाते थे. बस हमारे ये थे विराज को निकल, हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट इस पैंडमिक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, आप वर्क भी कर सकते हो, तो वी टुक अ अपॉर्चुनिटी. हाँ, तो मैं यहाँ पे थी, तो दतिया से सोना गिर गया, सोना गिर जो बहुत सुंदर है, फिर दतिया से देन वी केम टू ग्वालियर, एंड ग्वालियर ऑल्सो वी स्टेड फॉर थ्री फोर डेज एज ऑन 19th वाज माई मदर्स डेथ एनिवर्सरी, जो कि शी पास्ड अवे 2017 बिकॉज ऑफ कैंसर. तो मैं आई वेंट टू माई विलेज ऑल्सो, वहाँ पे हम अपने फार्म साम से कभी मतलब जस्ट टू रिमेंबर है, सारी फैमिली कहते हैं, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, फादर, सब लोग. सो दिस इमोशनल फॉर मी. और देन एंड वी विजिटेड ग्वालियर फोर्ट ऑल्सो, हमने ग्वालियर भी थोड़ा सा घूमा था उसमें, एंड देन वी केम टू दिल्ली. सो दिस वॉज अ राउंड ट्रिप फॉर अस अगेन, लाइक दिल्ली पूरा जंगल वंगल किया, देन बैक टू दिल्ली. सो फर्स्ट डे वी वेंट टू पीताम्बरा पीठ फॉर द दर्शन. अच्छा, और फिर हमें इसका मुंडन कराना था, बिकॉज इसे हमारे उसमें से कल्चर में कि यदि फर्स्ट ईयर में कराते हैं मुंडन या फिर थर्ड ईयर में कराते हैं. और हमारे फैमिली में था कि नवरात्रा के अष्टमी पर ही मुंडन होता है. सो फॉर दैट वी हैव टू गो टू जयपुर. तो हम अष्टमी पर गए थे, बट देन दिस टाइम वी आई डिडंट वॉन्ट मतलब मुझे उसका प्रॉपर मुंडन नहीं कराना था, ऐसे फर्स्ट बर्थडे बर्थडे प्रोजे मुझे इसके बाल इतने सुंदर लगते हैं ना. तो मैम मदर इन लॉ टोल्ड मी कि ठीक है आप थोड़ा लट ले लेते हैं, फिर आपको तो मैं मतलब फिर आपको जब कराना तो आप करा सकते हो. सो दैट वाज गुड. सो हमने उसका लट लिया, उसका जो भी फंक्शन था वो सब कुछ हमने सारी बुआएं उसकी सारी वीडियो कॉल पर आ गई थी, तो दैट वाज वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिर हम लोग. सो दैट वाज अगेन दिल्ली जयपुर दिल्ली से. उसके बाद ये होने के बाद फिर दिवाली आई, दिवाली भी सेलिब्रेटेड हियर ओनली. फिर दिवाली के बाद में अगेन वी वेंट टू ग्वालियर फॉर माय कजन्स वेडिंग. तो फिर एक और ट्रिप हो गया था हमारा डेली ग्वालियर ट्रिप फॉर 3-4 days. सो दिस चाइल्ड हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस हिज 40th डे एंड हैज ट्रैवल, इतना रोड ट्रैवल कर चुका था ये, एंड उसने इतना इंजॉय करता था सब कुछ. और एवरी सेकेंड डे यूज टू मीट न्यू पीपल, नई जगह, नया सब कुछ. तो वी वर वेरी कम्फर्टेबल लाइक मतलब, तो एंड वी गॉट सो वी वर एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑल्सो. अच्छा, इसके बाद भी हमने एक और ट्रिप किया था, दैट वॉज इन डिसम्बर फॉर माई हस्बैंड्स बर्थडे. तो पहला फर्स्ट बर्थडे मेरा मेरे बेटे के साथ में था, अब उसके पापा का उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना था अपने बेटे के साथ में फर्स्ट बर्थ. सो देन अगेन वी वेंट टू जयपुर. जयपुर में वी स्टेड एट रामगढ़ ताज, तो उधर दिन भी एंड वहाँ पे उस पर जयपुर में लॉकडाउन मतलब वहाँ पे कुछ 8 AM टू 8 PM का कुछ चल रहा था लॉकडाउन, तो वी डिडंट गो टू आर होम. हम लोग वहीं पर एक होटल में रुके थे, तो उसकी बुआ और उसकी सिस्टर्स वगैरह आके फिर ही सेलिब्रेटेड माय हस्बैंड बर्थडे इन द होटल ओनली. सो दैट वॉज अगेन वन मोर रोड ट्रिप. उसके बाद दैट वॉज डिसम्बर एंड इन जनवरी इसका फर्स्ट बर्थडे आ गया. अब इसका फर्स्ट बर्थडे हमें कुछ स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करना था, हम सोचा कैसे सेलिब्रेट करें, कहाँ करें सेलिब्रेट, देयर वर सो मेनी ऑप्शंस. दादा दादी भी फ़ोन कर रहे थे आप कहाँ सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन अगेन वो
उनकी एज के कारण वी डिडंट वांट टू कि हम लोग जयपुर जाएं उनके साथ सेलिब्रेट करें एंड एज इज अ विंटर चाइल्ड मतलब जनवरी बंद होता हमने चलो फिर एक और रिस्क लेते हैं लेट्स गो टू शिमला और शिमला में वी बुक फॉर 8 days कीपिंग इन माइंड कि कभी एक आध दिन हमें स्नोफॉल मिलेगा जो कि हमें लगा विराट का फर्स्ट स्नोफॉल होगा सो दे वी बुक्ड इन वाइल्ड फ्लावर ओबरॉय एंड ताज देखिए हम पूरा 8 दिन हमें कहीं स्नोफॉल नहीं मिला बट वी इंजॉयड देयर अ लॉट हमने वहाँ पे बहुत सारे मतलब इसके साथ ट्रैक किया और सारा कुछ मतलब जो भी हमने किया सो दैट वाज अगेन 8 days मतलब हमने वहाँ पे कट किया फिर वापस शिमला से वापस दिल्ली आए सो हम एक बार चंडीगढ़ जा चुके थे सो अगेन वी टुक द सेम रूट शिमला तक और मतलब चंडीगढ़ फिर आगे शिमला तक सो अगेन ये हुआ अच्छा अब इतना सब कुछ करने के बाद में अब हमें लगा अब शायद पेंडेमिक ख़त्म होने वाला है काम वाम स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन सो वी अगेन मेड बिग प्लान अभी हम बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि अब इतने हमने होटल ट्रिप्स कर लिए सब कुछ ठीक चल रहा होटल वाले बोला एक्चुअली होटल पीपल गेव अस कॉन्फिडेंस कि देयर यू आर टोटली सेफ एज दे वर टेकिंग सो मच प्रिकॉशन सो हमने फेब्रवरी में वी मेड गोवा प्लान अब गोवा हमारा 21 डेज का इन्होंने प्लान किया माय हस्बैंड मेड प्लान ऑफ 21 डेज अब अनदर थिंग वाज दैट जब गोवा जाए कैसे एक ही ऑप्शन है क्योंकि गोवा हमने अभी इतना लंबा ट्रैवल कभी इंडिया में नहीं किया था वी हैव ट्रैवल हमने बाहर मतलब किया हुआ है साउथ अफ्रीका किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया किया हुआ है बाकी कंट्रीज में किया हुआ है हमने रोड ट्रैवल इतना लंबा लेकिन इंडिया में कभी नहीं किया था बिकॉज आई थिंक दिल्ली टू गोवा इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स तो रोड ट्रैवल का तो हम सोच ही नहीं सकते थे हमें सोचा था कि हम लोग बाय एयर ही जाएंगे सो टिल 25th बट हमने बुक नहीं किया था क्योंकि अभी भी ये था कि जाए या ना जाए क्योंकि ये ज़्यादा लंबा रिस्क हो जाएगा क्योंकि अभी तक तो हम लोग फिर भी अपने पेरिफेरी में थे कि इधर ग्वालियर की तरफ जा रहे थे या जयपुर साइड जा रहे थे चंडीगढ़ साइड तो सब कुछ आसपास कहीं कुछ बाय चांस कुछ इनकेस कुछ होता था हम लोग फिर भी घर के आसपास ही पर गोवा इतना लंबा था तो टिकट्स वगैरह इसलिए नहीं बुक किए थे कि हम लोग कैंसिल भी कर सकते थे सो टिल 8th we were in dilemma whether we should go or not. The 10th to 20th we decided कि अभी इतना लंबे road travels कर चुके हैं तो and so हमें confidence ऐसे मिला कि हम गोवा जाते हैं तो गोवा we thought of taking 2 breaks. One is इंदौर and one is पुणे. And इंदौर his cousin stays and in पुणे my sister stays. तो ये कि हाँ चलो अगर हम उधर भी जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई हमारे लोग हैं वहाँ पर so this is how we thought and we took a call. और फिर हम चलो हम बाय रोड चलते हैं तो 28th को हमने डिसाइड किया एंड 30th भी लेफ्ट फॉर गोवा तो 30th मॉर्निंग हम लोग 4 बजे घर से निकले एंड सेम डे वी रीच 6 PM इंदौर हम लोग इधर पहुँच गए थे नाइट वापस स्टे किया मॉर्निंग हम लोग निकले रीच पुणे 10 बजे करीब पहुँचे हम लोग पुणे फिर पुणे भी स्टेड फॉर 2 nights सो दिस वॉज एंड फिर गोवा में भी स्टेट देयर फॉर 3 weeks यस 3 weeks 1 week वॉज कला महिंद्रा उसके बाद में भी स्टेट एट ताज एक्सोटिका फिर हमने एक विला लिया था विच इज मैनेज बाय अगेन ताज बेतुल उसके बाद एक सी टाइटल करके प्रॉपर्टी है दैट्स ऑल्सो रन बाय ताज ओनली एंड देन अगेन वी स्टेट एट क्लब महिंद्रा 1 more week सो टोटल देयर वर 3 weeks इन गोवा हमने बहुत इंजॉय किया विराज हिज मतलब उसका फर्स्ट वॉक वॉज ऑन द बीच जो ये लग रहा था मतलब उसने ही स्टार्टेड वॉकिंग एट द मतलब 11th मंथ उसने स्टार्ट कर दिया था बहुत बट वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता था बट वहाँ पे फर्स्ट जो वॉक किया उसने दैट वॉज 13th मंथ और उसने लंबा वॉक किया बीच पर वॉक किया सो एंड इन्जॉयड द बीच वाटर से इतना ज़्यादा इन्जॉय किया सो विल बी कवरिंग ऑल दिस इन द कमिंग एपिसोड एंड विल ऑल विल इन्जॉय आवर एक्सपीरियंस फिर गोवा से हमने फिर थोड़ा डिफरेंट रूट लिया था जिस टाइम वी टुक कोस्टल रूट ना फिर हम लोग पुणे पहुँचे पुणे से अगेन हाँ इन पुणे जिस टाइम वी स्टेट फॉर 3 nights तो ये मुझे अपने सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करना था तो वी स्टेट फॉर देयर फॉर 3 nights ये बहुत टाइम से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे तो 3 nights हम स्पेंड करके देन वी केम टू महेश्वर दिस टाइम तो महेश्वर में हमने अच्छे से दर्शन किए सारा सब कुछ महेश्वर अच्छे से घूमा एंड महेश्वर से ही हम लोग ओंकारेश्वर दर्शन करते हुए हम लोग इंदौर गए थे सो
वन नाइट वी स्टेड एट महेश्वर, और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे ओंकारेश्वर के दर्शन करते हुए हम लोग इंदौर गए जहाँ हमारे भैया रहते हैं, एंड फिर उनके साथ नेक्स्ट डे हम लोग गए उज्जैन महाकाल के, वहाँ पे बीच में एक शनि मंदिर है वहाँ दर्शन किए, उसके बाद में उज्जैन महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन मेरी फ्रेंड भी रहती है तो उससे भी मिल के आई हूँ इस बार। तो ये सब कुछ हमने इंदौर से कवर किया था उज्जैन के महाकाल, तो इंदौर में स्टे फॉर टू नाइट्स। तो इंदौर से इंदौर में जो वहाँ पे खाने पीने का बहुत अच्छा है, तो विल बी शेयरिंग दैट इन द कमिंग वीडियो। तो वो फिर हमने इंदौर से हम लोग फिर दिल्ली, सो दिस वॉज द राउंड ट्रिप दिल्ली गोवा दिल्ली। सो दिल्ली से हम लोग इंदौर गए, इंदौर से पुणे, पुणे से गोवा, देन गोवा से अगेन पुणे बैक, पुणे से हम लोग महेश्वर आए, महेश्वर से ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से इंदौर, इंदौर से वी वेंट टू उज्जैन फॉर महाकाल दर्शन, एंड देन इंदौर से बैक टू दिल्ली। सो दिस ट्रिप वॉज ऑफ 33 डेज टोटल, सो दिस विल बी स्प्रेडिंग इन 10-15 एपिसोड्स, 10-15 देखते कितना क्या लगता है, बिकॉज हमें तो बहुत मज़ा आया और मैं आप लोगों को आप लोग सब कर सकते हैं। एंड सो टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दिस पैंडमिक विद विराज इज 13,000। विल बी कवरिंग दिस इन द कमिंग वीडियोज ऑल आर ट्रिप्स राइट फ्रॉम ओरछा विच वॉज इज फर्स्ट ट्रिप टिल डेट। थैंक यू, कीप वॉचिंग।